वो तो घंटों पहले निकली थी आपको फाइल देने के लिए। मुझे लगा अब आपके साथ आएगी तो मैंने फोन भी नहीं किया। फोन भी नहीं किया? फोन तो कोई तब करेगा ना जब लड़की की याद आएगी किसी को। सारा दिन दिमाग में रिश्ते की बात चलती रहती है, लड़की की फिक्र ना है किसी को। क्या हुआ, इतना हल्ला क्यों हो रहा है? लो एक और गुम प्राणी आ गए श्रीधर, इसे तो तू चांद पर भेज दे। दीन दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है इसका, बस सारा दिन कान में ठेपा लगा के बैठा रहता है। बहन गुम है और भाई अपनी मस्ती में मस्त है, ये निभा रहे हैं राखी का फर्ज। अरे माँ बस करो, वो फोन लगा रहा हूँ ना। हाँ कर, जल्दी कर। क्या हुआ? फोन बंद आ रहा है। बंद आ रहा है? ऐसे कैसे बंद आ रहा उसका फोन? मैं ज्योति जी से पूछता हूँ, उन्हें पता होगा। हाँ विवेक बोल, अब क्या नई डिमांड है तेरी? किसकी इन्फो चाहिए तुझे? रुचि दीदी की। कहाँ है वो? अभी तक घर नहीं आई। घर नहीं आई मतलब? अभी घंटों पहले मैंने उसे गोयल मेंशन छोड़ा था। अंकल जी को ढूंढी थी, उनसे पूछो, उनसे मिली होगी ना। रुचि गोयल मेंशन आकर भी मुझसे क्यों नहीं मिली? हाँ बात करो। ज्योति बेटा मैं रुचि का पापा बोल रहा हूँ। गोयल मेंशन में रुचि मुझे नहीं मिली, तुम्हें पता वो गोयल मेंशन के बाद कहाँ जाने वाली थी? मोबाइल का चार्जर लेने मार्केट जाना था अंकल उसे, लेकिन उस बात को भी बहुत देर हो गई है। अब तक तो आ जाना चाहिए था रुचि को। ना मैं बात करती। श्रीधर भाई साहब आप बिल्कुल चिंता मत करो, यही कहीं होगी रुचि, मिल जाएगी। मैं और रवि जी अभी आते हैं आपके घर। हाँ हाँ। कहाँ है हमारी बेटी? मुझे ना बहुत घबराहट हो रही है। उसने आज से पहले ऐसा कभी कुछ नहीं किया ना। तो मैंने तो पहले ही कहा था मम्मी दीदी को इतना टॉर्चर मत किया करो। बार बार लड़का लड़का शादी शादी। अरे बस कर यार। देखो साहब इतना मत घबराओ, हमारी रुचि समझदार है, ऐसे कहीं नहीं जा सकती, जरूर कहीं फंस गई होगी। मैं गोयल मेंशन फोन करके देखता हूँ। हेलो हाँ जी, शांत हो जाओ उषा, संभाल अपने आप को, कुछ नहीं होगा हमारी रुचि को, जल्दी मिल जाएगी। अजीब कानून है इस देश का, मेरी बेटी घंटों से लापता है लेकिन यहाँ की पुलिस 24 घंटे के पहले रिपोर्ट लिखेगी नहीं। इसमें पुलिस वाले की भी क्या गलती है श्रीधर, कानून तो मानना ही पड़ेगा उन्हें, लेकिन हम भी हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठेंगे, अपनी कोशिश जारी रखेंगे। और क्या कोशिश करूं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रुचि जहां जहां पे जा सकती थी मैंने हर जगह पता कर लिया है, वो वहां पे नहीं है। मैंने गोयल मेंशन में पता कर लिया, वो वहां पर भी नहीं है। अभी परसों ही वो पड़ोस की लता बता रही थी कि शहर में भूतों और चुड़ैलों का साया घूम रहा है, कहीं मेरी लाडली के साथ कुछ पूछ-लिछ तो नहीं हो गई। ये कैसी बात कर रहे हैं आप अम्मा जी, ये भूत प्रेत कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होगा हमारी रुचि को। क्या बताऊं सुधा, यहाँ लड़की की फिक्र नहीं है किसी को, जब चाहे जहां उठा के मुंह भेजा जाता है उसे, ये नहीं कि खुद चले जाए। खुद चले जाएंगे तो इनकी हाथ पैर की मेहंदी खराब हो जाएगी। सही कह रही है माँ जी आप, सारी की सारी मेरी गलती है। तू ऐसे कैसे बोल रही है कि तेरी गलती है? हाँ अब खुद को दोष मत दे, तूने किसी का क्या बिगाड़ा है? हाँ इससे पहले भी तो रुचि घर से बाहर जाती थी। रवि जी एक काम करो, आप अभी संजू भाई साहब को फोन लगाओ, अजमेर में वो पुलिस अफसर है ना, उन्हें तो यहाँ के बारे में सब कुछ पता होगा कि नहीं। हाँ हाँ मैं अभी बात करता हूँ। बज रही है घंटी। भैया फोन नहीं उठा रहे, मैं मैसेज भेज देता हूँ, जैसे ही पढ़ेंगे फोन कर लेंगे। हाँ, हाँ। रवि भाभी बहुत रात हो गई, अब आप लोग भी अपने घर जाइए,
वैसे भी यहाँ और क्या होने वाला है? क्या बात कर रहा है श्रीधर, ऐसे वक्त में हम तुम्हें अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हैं? हम लोग यहीं रहेंगे तुम्हारे साथ।